हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र पाठार है। मैं आपको फायर रिलेटेड जो इक्विपमेंट यहाँ पे जो फिट किए उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और फिर बाद में कैनवास होस पाइप और क्या है स्प्रिंकलर है जो बिठा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। फायर आग एक ज्वलनशील पदार्थ है। फायर एक ट्रायंगल है। क्या है? फायर एक ट्रायंगल है और तीन चीज़ें उससे आग लगती है। कौन सी ये तीन चीज़ें है? और ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ये तीन चीज़ों से क्या लगती है? आग लगती है। अगर ये तीन चीज़ों में से अगर एक को हटा दिया तो क्या होगा? इन तीन चीज़ों में से एक को हटा दिया तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। क्या होगा? आग बुझ जाएगी। हमने हीट को हटा दिया तो क्या करें, क्या होगा? तो हीट को हम कैसे हटाएंगे? हीट को कैसे हटाएंगे? कूलिंग करके। क्या करके? कूलिंग करके। यानी हीट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा? कूलिंग के लिए पानी का इस्तेमाल करूँगा। बराबर। उसके बाद में हीट के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर मुझे हटाना है तो क्या करूँगा? मैं फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करूँगा। ऑक्सीजन को हटाना यानी क्या करना है? ब्लैंकेटिंग करना है। क्या करना है? ब्लैंकेटिंग हम लोग कैसे करते हैं? अगर इसका इस्तेमाल किया तो क्या होगा? पाउडर जहाँ पे आग लगी है उसके ऊपर ब्लैंकेटिंग जैसे चादर हो जाएगी, फैल जाएगी और आग बुझ जाएगी। यानी क्या हुआ? ऑक्सीजन कट हुआ। बराबर। उसके बाद में फ्यूल। फ्यूल को अगर हटाना है, फ्यूल क्या होता है? जहाँ पे जिस सामग्री को आग लगती है उसको फ्यूल बोलते हैं। उसको अगर हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग? अगर गैस की, अभी ये आप देख सकते हो पाइपलाइन है गैस की, तो हमको क्या करना पड़ेगा? गैस यानी क्या है? फ्यूल है। क्या है? फ्यूल है। हमको उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबको मालूम है क्या करना पड़ता है हमको? गैस बंद करते हैं ना। कैसे बंद करते हैं? वॉल, जो मेन वॉल है, हम लोग क्या करेंगे? बंद करेंगे। क्या करेंगे? बंद करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? आग लगती है। बराबर। आग फैल जाती है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑक्सीजन का कर सकते हैं हम लोग, कट कर सकते हैं। और फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या पहले करना होगा हमको? फ्यूल को हटाना है। कैसे हटाएंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई क्या करेंगे हम लोग? बंद करेंगे। बराबर। अभी तीन पांच प्रकार की आग है। कितने प्रकार की है? ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आप देख सकते हो, हमको इससे बुझाना होता है तो हम लोग क्या करेंगे? ए क्लास ऑफ फायर यानी साधारण आग। यानी हम क्या करेंगे? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, ये तीन चीज़ों को आग लगती है तब हम ए क्लास ऑफ फायर कहेंगे उसको। अगर ए क्लास का फायर लग गया है, हम लोग पानी से भी क्या करते हैं? पानी से भी बुझा सकते हैं या और ये फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर। दूसरा कौन सा क्लास है? बी क्लास ऑफ फायर। बी क्लास में क्या होता है? लिक्विड फायर। क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड में क्या आया कोई बता सकता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से लगी हुई आग। अभी यहाँ पे गाड़ी है, पेट्रोल गिर रहा है, अगर वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन तो हवा में है ही, किसी ने माचिस से ये किया, सिगरेट पिया और स्मोकिंग किया और क्या किया? फेंक दिया वहाँ पे, तो क्या होगा? हीट आ गई, ऑक्सीजन तो है सब जगह पे और फ्यूल पेट्रोल गिर रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा? आग लगेगी। बराबर है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। अगर इससे नहीं बुझा तो हम ये क्या होगा, हमने ऑटो में ये क्या लगाया, इस
यहाँ पे सब जगह पे स्प्रिंकलर लगा है। क्या लगा है? स्प्रिंकलर। ये स्प्रिंकलर कब ब्लास्ट होता है? जब आग लगती है उसका टेम्परेचर अबाउट 68 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब क्या होता है? ये फूट जाएगा। क्या होगा? इसको निकालना होता है। कैप, ये रेड कलर का मर्क्यूरी ट्यूब है, ये ब्लास्ट होगा और इसके अंदर जो प्रेशर रहेगा, इसके अंदर प्रेशर नहीं रहेगा तो पानी नहीं आएगा, इसके अंदर प्रेशर रहेगा तो प्रेशर के हिसाब से पानी आएगा और सब जगह पे शावर की तरह क्या होगा, फैल जाएगा और आग बुझ जाएगी। यानी हीट को हटाने के लिए कूलिंग करना है और बी क्लास का जो ये है क्लास ऑफ फायर, ये इस्तेमाल होगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और आग बुझा सकते हैं। बराबर, हम लोग अवेलेबल नहीं है तो ये हमारा स्प्रिंकलर काम करेगा। बराबर, फिर बाद में सी क्लास ऑफ फायर है। कौन सा फायर है? सी क्लास। सी क्लास में क्या आएगा? सी क्लास गैस की फायर, जो अभी ये येलो कलर का जो पाइप है, बराबर है, गैस फायर। अगर इससे आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझाएंगे वापस। उसके बाद में डी फॉर मेटल फायर। मेटल मालूम है ना, धातु। अगर उसको आग लगती है, जो कंपनियों में ज़्यादा करके रहती है, तो उसको अगर आग लगती है तो ड्राई केमिकल पाउडर से हम लोग आग बुझा सकते हैं। फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी की आग है, ई क्लास ऑफ फायर, लास्ट वन। उसको अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उससे हम लोग बुझा सकते हैं, वो ठंडा होता है। अभी हमारे पास कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ABC कलर का, ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की फायर अगर बुझाना है तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। मालूम है ना, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, CO2 BC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। और ये कौन सा है? ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर है। बराबर है। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर हमको यूज़ करना है, हमको मालूम है किस तरह से यूज़ करना है। इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे? इसका इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पास का मेथड यूज़ करना है। कौन सा मेथड? पास। पास का स्पेलिंग क्या है? PASS। PASS, बराबर। फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? PA। हमको क्या करना है? क्या करना है? ये पिन को निकालना है। पुल द सेफ्टी पिन। अभी हमने क्या किया? सील तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? सील तोड़ दिया। अभी हमको पहले चेक करते समय, जब यूज करते समय हमको पहले क्या देखना है? ये ग्रीन और रेड कलर है, देख रहा है आपको? हाँ। और ये बीच में नीडल है। हाँ। कहाँ पे है? ग्रीन में है क्या? रेड पे? ग्रीन पे है ना, बराबर। ग्रीन पे है तो इसके अंदर क्या है? प्रेशर है। प्रेशर क्या है? जैसे फायर हाइड्रेंट सिस्टम में प्रेशर होता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कितना केजी का प्रेशर, वैसे इसके अंदर भी प्रेशर दिखाया गया है। कौन से जगह पे है? ग्रीन के ऊपर है, बराबर है। रेड पे है तो क्या होता है? प्रेशर नहीं, प्रेशर डाउन है। तो क्या होगा, इसके अंदर से पाउडर निकलेगा? अगर प्रेशर है तो, प्रेशर है तो पाउडर निकलेगा। अगर प्रेशर नहीं है, रेड पे रहेगा तो क्या होगा, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमेशा हमको ध्यान देना है जहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, हमेशा कहाँ पे रहेगा? सील लगा हुआ रहेगा और ग्रीन पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ग्रीन पे रहेगा। अगर ग्रीन पे नहीं है तो वहाँ पे कोई रखने की ज़रूरत नहीं, उसको हमको कहाँ पे रिफिल के लिए भेजना पड़ेगा। बराबर। इसका ये कितने केजी का फायर एक्सटिंग्विशर है? 6 KG का फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर। हाँ, इसका एक रिफिलिंग डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है। वो एक्सपायरी डेट देखना है और उसके बाद में हमको वापस उसको रिफिल करना है। 1 साल का 2 साल का एक रिफिलिंग डेट होती है। स्टार्टिंग में रिफिलिंग करते हैं, फिर बाद में एक्सपायरी उसका डेट लिखा होता है, उसके पहले ही हमको क्या करना है, वापस रिफिल करने के लिए भेजना है। हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे ये डेमो हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम लोग को उसको इस्तेमाल करके हम लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं और दूसरा रिफिल करने के लिए भेज सकते हैं। बराबर। हमने क्या किया है, पुल द, जब हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, पहले पहला अल्फाबेट क्या है? पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन को क्या करना है, मुझे निकालना है। बराबर है। जैसे हम लोग पैनिक हो जाए, आग लग गई, हम लोग पैनिक हो गए, हम लोग क्या करना है मालूम नहीं, बस ट्रिगर दबा दिया, नहीं दब सकता है जब तक ये सेफ्टी पिन नहीं निकालते, लॉक नहीं निकालते। ये दो चीज़ें हैं
यहाँ पे डबल एक पुल द सेफ्टी पिन और ये लॉक है, बराबर है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी देखो ये पाइप होज पाइप है, ये कहाँ पे है, नीचे नीचे है। तो दूसरा अल्फाबेट क्या है हमारा, ए, ए फॉर, ए फॉर क्या है, ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, क्या है, एम द बेस ऑफ फायर। अगर मैं एम नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैंने ट्रिगर दबा दिया तो क्या होगा, नीचे जाएगा। मुझे कहाँ पे, कहाँ पे एम करना है, जहाँ पे आग लगी है उसमें, कहाँ पे करना है उसमें भी, उसमें अगर यहाँ तो ऊपर तक फ्लेम है तो क्या होगा, वहाँ पे करेंगे, टॉप में करेंगे, बॉटम में करेंगे, बेस में करेंगे, टॉप में कैसे करेंगे, बेस में करेंगे, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे बेस पे, एम द बेस ऑफ फायर, एम द बेस ऑफ जहाँ पे आग लगी है उसको बेस पे हम क्या करेंगे, एम करेंगे। मैंने एम कर दिया, बराबर है। उसके बाद में, उसके बाद में तीसरा अल्फाबेट क्या है, एस फॉर स्क्वीच द लीवर, ये लीवर को क्या करना है मुझे, दबाना है, क्या करना है, प्रेस करना है, लेकिन कब, जब आग लगी हो, जब जहाँ पे आग लगी है तो मैं, मुझे क्या करना है, इस्तेमाल करने के पहले मुझे क्या देखना है, अगर यहाँ पे आग लगी है, हवा की दिशा वहाँ से आ रही है, वहाँ से हवा आ रही है और मेरे आंख पे है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये गलत है कि सही है, गलत है ना, मुझे कहाँ पे खड़ा रहना चाहिए, अपोजिट, जहाँ पे हवा आ रही है तो उनको क्या दिखाना है मुझे, पीठ दिखाना है, यहाँ से हवा आ रही है तो मैं यहाँ पे बराबर सेफ हूँ, मैं अगर वहाँ पे हूँ तो मेरे आंख पे ही ये पाउडर आ जाएगी, बराबर। तो हमको क्या करना है, ये देखने के बाद फिर बाद में हमको पोजीशन लेना है, यानी मैं क्या करूँगा, स्क्वीज द लीवर, लीवर को मैं दबाऊँगा, बराबर। उसके बाद में क्या करूँगा, चौथा अल्फाबेट एस फॉर स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट मैं क्या करूँगा, घुमाऊँगा, बराबर, क्या करूँगा, घुमाऊँगा, तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कूड़े लावली आग वहाँ पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग जहाँ पे, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, हम लोग अभी क्या करेंगे, जहाँ पे आग लगी है उसको हम लोग बुझाएंगे, एक्सटिंग्विश करेंगे, ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग उसको क्या करेंगे, बुझाएंगे, बराबर। लेकिन बुझाने के वक्त हमको सावधानी से बुझाना, किस तरह से बुझाना हमको मालूम पड़ गया, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, मगर डिस्टेंस कितना रखना है हमको, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रेशर है, बराबर है ना, प्रेशर है, प्रेशर से हम लोग क्या होगा, जहाँ पे आग लगी है, जिस पे आग लगी है तो उड़ भी सकता है जहाँ पे, बराबर। तो इसके ऊपर सिर्फ ब्लैंकेटिंग होना चाहिए, पाउडर का क्या होना चाहिए, ब्लैंकेटिंग होना चाहिए, पाउडर उसके ऊपर रहना चाहिए, पाउडर से, पाउडर के फोर्स से आग आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, ओके। अभी जहाँ पे आग कहाँ पे लगाना है, सर वहाँ पे लगा के, हाँ ठीक है, बाकी का जो है ना, हाँ एक बार ही जाके वहाँ पे हम उन डेमो दिखा देंगे, हाँ डेमो दिखाएंगे। उसके बाद अभी आप देख सकते हो ये फायर एक्सटिंग्विशर, छोटी सी आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, छोटी सी आग जहाँ पे जो फर्स्ट एड होता है, अगर छोटी सी आग अगर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझाते तो आग भड़क सकती है और बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए जहाँ पे जैसे आग लगी है वैसे ही हमको बुझाना होता है। अगर नहीं बुझा पाए तो हमको क्या करना होगा, किसका इस्तेमाल करना होगा हमको, कौन सा है, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैनवास शूज होता है ना, हम लोग पहनते हैं पीटी शूज में, उसका बनाया हुआ ये कैनवास होज पाइप है, क्या है, कैनवास होज पाइप, और ये क्या है, ब्रांच पाइप नोजल, बराबर है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये ब्रांच पाइप है, आप देख सकते हो जो रेड कलर का जो पाइप है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम बिठाया है, वहाँ पे स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट रेजर है, देख सकते हो आप, वहाँ पे दिखता है, यहाँ पे सामने ये रेड कलर का स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है, उसमें क्या होगा, फीमेल कपलिंग होगा, क्या होगा, फीमेल कपलिंग होगा, और ये जो मेल कपलिंग है, इसके बाद मेल कपलिंग है, उसको अटैच करना होता है, और ये फीमेल कपलिंग आगे रहेगा और उसके आगे ये नोजल होगा, ये नोजल और ये फीमेल कपलिंग इसमें अटैच होगा, कहाँ पे होगा, इसमें अटैच होगा, हमको किस तरह से अटैच करना है,
आप देख सकते हो इसके अंदर वॉइसर है और ये फिट होने के लिए होता है। अगर वॉइसर नहीं है तो क्या होगा, पानी लीकेज होगा, बराबर फिट नहीं रहेगा, प्रेशर कम हो सकता है। अभी देख सकते हो इसको फिट कैसे करना है, हमको अटैच कैसे करना है, इस तरह से देख सकते हो आप, सब लोगों ने देख लिया। और इसको रिमूव कैसे करना है, दोनों साइड से इस लग्स को क्या करना है, हमको इस लग को खींचना है, हमको हम लोग घुमाएंगे तो नहीं होगा, हम लोग को क्या करना है, खींचना है, दोनों से अपोजिट साइड में क्या करना है, हमको खींचना है। खींचने के बाद देखो, आप देख सकते हो ये जो लॉक है, क्या है ये जो लॉक है, क्या हो रहा है, अंदर चला गया बराबर। फिर बाद में क्या होगा, ब्रांच पाइप हम लोग निकाल सकते हैं बराबर। अभी ये फीमेल कपलिंग है और ये ब्रांच पाइप है और ये मेल कपलिंग है। जो मेल कपलिंग कहाँ पे अटैच होगा, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर को अटैच होगा। और वहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ पे आग लगी है, ये कितने फीट का रहेगा, 20 फीट, कितना, 22, ठीक है। हम लोग अभी इसका हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए, तब हम समझ सकते हैं बराबर। अभी ये जो आप देख सकते हो ये स्प्रिंकलर, आपने देख लिया ना, स्प्रिंकलर के बारे में आपको मालूम पड़ गया। ये इसका हम लोग डेमो करेंगे वहाँ पे जहाँ पे स्प्रिंकलर लगा है। जब तक ये इसके अंदर मर्क्यूरी ट्यूब है, इसके अंदर जो प्रेशर है, आग का प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, जो अबव क्रॉस करेगा, कितना क्रॉस करेगा, 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ब्लास्ट होगा, उसमें से क्या निकलेगा, प्रेशर से पानी निकलेगा। अगर प्रेशर नहीं है तो, अभी सुना मैंने पानी नहीं हवा पे, तो क्या होगा, कोई काम का नहीं रहेगा, देख लो। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, पानी होना चाहिए, प्रेशर जिस तरह से आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का है, ये प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। हमेशा हमको क्या करना होगा, प्रेशर मेंटेन करना होगा, नहीं तो हम लोग घर पे रहेंगे, सोए रहेंगे और यहाँ पे आग लगी होगी और ये ऑटो में जो स्प्रिंकलर है वो यूज नहीं होगा, क्या होगा, ब्लास्ट तो होगा मगर पानी नहीं आएगा, अगर प्रेशर नहीं है तो। समझ गए आप लोग, प्रेशर है तो सिक्योरिटी, सब लोग वॉच करो हमेशा, जहाँ पे प्रेशर नहीं है तो प्रेशर मेंटेन करना जरूरी और होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर रेड पे अगर दिखाई दिया, किसी ने बदमाशी की और यूज़ किया रहेगा और ये रेड पे रहेगा और जब आग लगी और ये जहाँ पे टंगा हो है और हम लोग ने इस्तेमाल करने को गए और फिर क्या देखेंगे, खाली है, प्रेशर खाली है, तो हम लोग पाउडर निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना है सिक्योरिटी को, जहाँ जहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर है हमेशा प्रेशर बनाया हुआ रहना चाहिए। अभी ये स्प्रिंकलर के बारे में आपको मालूम पड़ गया, इसके अंदर भी प्रेशर रहना चाहिए, नहीं तो ये बनाया, ये अगर फीड भी रहेगा मगर इसके अंदर पानी तब आएगा जब प्रेशर मेंटेन रहेगा, ठीक है। हम लोग नहीं रहेंगे तो भी ये अपना क्या काम करेगा, पानी फेंकने का काम करेगा। हम लोग घर पे रहेंगे तो भी ये ऑटो में एक्टिवेट रहेगा तो पानी फेंकने का काम करेगा, मगर इसके लिए मुझे खुद को मैनुअली इस्तेमाल करना पड़ा। अभी ये स्मोक डिटेक्टर है, क्या है ये, आपने देखा है इसको स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं। ये जो स्मोक डिटेक्टर है ये हमेशा ब्लिंकिंग करते रहना चाहिए। ये जो व्हाइट कलर का है ना, यहाँ पे दो चीज़ें, ये क्या होगा, ब्लिंकिंग करेगा, क्या करेगा, इसके अंदर डस्ट भी जाएगा, स्मोक जाएगा, कोई भी तरीके से स्मोक जाएगा तो क्या होगा, अलार्म, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है तो स्टॉप होगा ब्लिंकिंग करना। और क्या होगा, जहाँ पे अलार्म बिठाया है, अगर अलार्म चालू है तो बजेगा, नहीं चालू रहेगा तो सप्लाई नहीं दिया रहेगा, तो अगर मेंटेन बराबर नहीं रहेगा तो नहीं बजेगा, मगर ये चालू रहेगा तो क्या होगा, ये ब्लिंकिंग करने के बाद ब्लिंकिंग स्टॉप होगा और रेड कलर का लाइट चालू रहेगा, बराबर है। अगर सायरन चालू है तो चालू बजेगा बराबर, मगर ही बंद झाला। हां लावून लागला।
दाखले का ये दाखले अभी हमने पिन निकाल दिया ना इसका। हाँ निकाल। अभी आप देख सकते हो इसका धुआं कहाँ जा रहा है, वहाँ पे। हम लोग को कहाँ से बुझाना है, यहाँ से बुझाना है, यहाँ से। आप लोग यहाँ एक सिक्योरिटी आ जाओ पहले। सिलेंडर लेके आओ। आप लोग यहाँ पे आ जाइए, नहीं तो पाउडर आ जाएगा यहाँ पे। ये साइड में राइट और लेफ्ट में आ जाइए। देखो हवा घूम रहा है। खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। नहीं तो खत्म ही होगा। ये पकड़ जाओ। अभी हमको क्या करना है, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर और स्क्वीज द लीवर। ओके आग बुझ गई, पकड़। कम वन बाय वन, कम वन बाय वन, एक एक करके आइए। आजा सर। थोड़ा लंबा खड़ा रही है, थोड़ा लंबा। अभी देखो जितनी जल्दी नजदीक से हम लोग अगर बुझाने को जाएंगे तो प्रेशर से क्या होगा, ये पुट्टा आगे गया, आग आगे गया, थोड़ा लंबा रहे। और ऊपर पाउडर ऊपर मारना है, उसके ऊपर ब्लैंकेटिंग करना। ओके नेक्स्ट कोई आए। ऊपर से बेस पे, बेस पे ही मारना। ऊपर से मारने का ब्लैंकेटिंग होगा, कचरा होगा, ब्लैंकेटिंग आ जाएगी। और कोई आए हाथ लाओ ना, देखा लाती ना वो मैडम। आप आइए, एक एक करके आइए। लेडीज को, लेडीज को करना है कंप्लेन। जाना दे नीचे रख दो ना। ओके गुड गुड गुड, तालिया तालिया। अभी खत्म हो गया, उठाना आपको ये यहाँ पे पकड़े। कैसे पकड़ेगा वो?
बाद। और ये एक हाथ में उधर पकड़ो, अभी उसको प्रेस। आग रखने दे, रुक जा, आग लगने दे, अबे जितना ऊपर कर रहे हैं आप आ जाओ। एम करो बराबर, वो जो हैंडल है ना उसको नीचे से पकड़ना है, वो जो होस है उसको आगे। अरे मुझे मालूम है, ए ये टक ना दे, वर्दी टक ना, वर्दी हैंडल टक। हाँ है दूसरा है ना, एक फायर एक्सटेंशन है। एक मिनट थाम थाम, जाना पड़ेगा। फायर फायर, नेक्स्ट नेक्स्ट, तालिया तालिया, सिक्योरिटी मैडम को करा, जाइए मैडम को करने दो। हाँ जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो कैमरा देख कर दो। एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, तालिया, गुड, आग बुझ गई। नेक्स्ट सिक्योरिटी जल्दी आ जाओ, आग लगाओ, वापस लगाओ, वर्दी ऊपर से लगाओ ना। थोड़ा यहाँ पे आ जाओ बच्चे लोग। In the base of fire, squeeze the lever. Three force pipes side by side. Okay, good. Talia. Next, our corner security. Aja, housekeeping. Aja. हाँ दिस वन, ओपन दिस वन। आप कैसे ओपन करोगे, हमने जो बताया है उसी तरह आपको क्या करना है, ओपन करना है। पहले क्या करेंगे आप, सील को तोड़ेंगे। तोड़ दिया, तोड़ दो जोर से, खींचो और पिन निकालोगे बराबर, लॉक निकाल दो और लीवर के यहाँ पे जो येलो। हाँ हाँ, अभी क्या करोगे, एम द बेस ऑफ फायर, निशाना लगाओ। हाँ था हाँ, तो वर्तुन लग, वर्तुन लग, वर्तुन लग लगे बेटे। चलो हाँ बुझा दो, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, आराम से आराम से, प्रेशर ज़्यादा है ना। हाँ ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी आ जाओ। क्या करोगे, पहले पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन तो हमने निकाल दिया है, वापस लगाओ। एम द बेस ऑफ फायर, निशाना लगाओ, एम द बेस ऑफ फायर, हमारा लेफ्ट पैर आगे आगे रहेगा बराबर, रेडी पोजीशन में, और थोड़ा दूर रहो, एक मिनट थोड़ा दूर रहो। हाँ अभी इसके अंदर बहुत सारा प्रेशर रहेगा, ओके आराम से। हाँ ओके, नेक्स्ट, जो स्टार्टिंग में जो प्रेशर होता है उससे तुरंत बुझ जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। इसको इस तरह से यही पे पकड़ना है, बस इतना ही, और वो हाथ से वो पकड़ो, पकड़ लेते। हाँ पकड़ा, ये पकड़ा, नो ये पकड़ा, डावे हाथा नहीं, पकड़ डावे हाथा नहीं पकड़ा। हाँ चला रेडी, ओके फायर, ओके गुड, नेक्स्ट। और कोई है, कोई है और जिसको इस्तेमाल करना है फायर एक्सटिंग्विशर, अभी बहुत सारा उसके अंदर। हाँ बैठिए आइए, अभी फायर हाइड्रेंट जिथे आपला हे कुठे रेडी केलं का, आपण हे कर स्प्रिंकलर, हे करायचं आहे ना रे स्प्रिंकलर साठी, कुठे स्प्रिंकलर, हे नाही यहाँ पे आग लगा ना, कुठे तो मशाल, कुठे मशाल घेतली आगे, ती लाव चालू कर, ओके रेडी डू इट फास्ट। हाँ इसके अंदर, हाँ हाँ करो स्टार्ट, प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो करो करो, और मारते रहो मारते रहो, दबा के रहो दबा के रहो, डिस्कस्टिंग, एक मिनट ना रुको रुको, समझ गए ना, जितना हम लोग प्रेस करेंगे उससे क्या होगा, प्रेशर बाहर निकलेगा। ओके डू इट करो, हम ये उठा रहे हैं अभी के बाबू, ऊपर करने आया नील तो उठ गया, और किसी को करना है, हाउसकीपिंग सिक्योरिटी, ठीक है
उड़ गया मुझसे। अरे उठा, थोड़ा लंबा हो जाओ। हाँ जा भी, हाँ उठा लो। अभी हम लोग स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर हाँ करो ना, उसमें क्या करो, पकड़ो दबा गुड गुड मारो, समझ गए ना। अभी सबको पता चला ना किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे खड़े रहिए, यहाँ पे सामने। अभी देखो ये स्प्रिंकलर है, ये स्प्रिंकलर के ऊपर आग आएगी और इसका टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस करेगा तो ये फट जाएगा। आप देखोगे, आप देख लो सब लोग। थोड़ा खाली गए, इसके अंदर जितना जो प्रेशर था वो पानी से क्या हुआ, फट गया, ब्लास्ट हो गया बराबर। आगे अरे जो प्रेशर किती असणार, ठीक है।